नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल द एक्सीलेंट एकेडमी में। हम लोग जुड़ चुके हैं, लाइव आ चुके हैं। आप लोग भी जुड़ना शुरू हो जाइए। आज थोड़ा सा 10 मिनट लेट हो गया है, टाइम का अंदाजा ही नहीं रहा, तो थोड़ा सा लेट हो गया है। तो हम लोग सब लोग जुड़ चुके हैं। प्रदीप यादव आ चुके हैं, गुड इवनिंग प्रदीप। आते ही आप लोगों को सबसे पहले वीडियो को लाइक करना है। आज का हमने जो टॉपिक डिसाइड किया है, आप लोगों ने थंबनेल पर ही देख लिया होगा। हम लोगों ने जो टॉपिक डिसाइड किया है, उस टॉपिक का नाम है कि उत्तर प्रदेश स्पेशल। उत्तर प्रदेश स्पेशल से आज हम लोग जो है बात करेंगे। उत्तर प्रदेश स्पेशल के क्वेश्चनों को आज हम लोग करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कौन कौन जुड़ चुका है, सब लोग लाइक कीजिए। लाइक करने के बाद जल्दी से कमेंट कीजिए, जैसे मैं जान सकूं कि कितने लोग जुड़ चुके हैं। फिर जो है क्वेश्चनों की शुरुआत की जाए। 6 लोग जुड़ चुके हैं। शुभम पटेल आ चुका है। नमस्कार शुभम, मस्त रहो। चलिए दिव्यांशी भी आ चुकी हैं, गुड इवनिंग दिव्यांशी। आरती गुड इवनिंग, हर्षित शुक्ला गुड इवनिंग। आज सुबह काफी कम संख्या थी आप लोगों की, आज सुबह गर्मी भी बहुत ज्यादा थी। और नमस्ते सुषमा, गुड इवनिंग हर्षित। तो इस वजह से जो है आज क्लास लेने में मेरा मन नहीं कर रहा था। स्टूडियो थोड़ा सा अच्छी बनानी पड़ेगी मुझे। स्टोर रूम को मैंने बनाया हुआ है अपने घर के, आप लोग जानते हैं। पढ़ाई लिखाई के लिए घर में कहाँ स्थान मिल पाता है, पढ़ने के लिए पढ़ाने के लिए अलग कोना ही जो है लेना पड़ता है। तो इसी हिसाब से जो है मैं कर रहा था। चलिए तो आज के टॉपिक का जो विशेष टॉपिक है हमारा, उत्तर प्रदेश स्पेशल का, कुछ प्रमुख नगरों के उपनाम के बारे में बात करें। मतलब उत्तर प्रदेश में कुछ प्रमुख नगर हैं जिनको उपनामों से बुलाया जाता है, और उत्तर प्रदेश लेखपाल की परीक्षा में ऐसे प्रश्नों को देखा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो सबसे पहला प्रश्न है, बताइए संगम नगरी, कुंभ नगरी, तीर्थराज, अमरूदों का शहर, या फिर ईश्वर का निवास स्थान। खास तौर पे लास्ट वाला टॉपिक, ईश्वर का निवास स्थान उत्तर प्रदेश के किस शहर को जाना जाता है। आपके ऑप्शंस हैं प्रयागराज, कौशाम्बी, लखनऊ, या फिर आपका वाराणसी। ईश्वर का निवास स्थान, ईश्वर का निवास स्थान के नाम से किस शहर को जाना जाता है। आपके ऑप्शंस हैं वाराणसी, प्रयागराज, कौशाम्बी, या फिर लखनऊ। हर्षित शुक्ला का उत्तर आ चुका है, प्रयागराज कह रहे हैं। अच्छा हर्षित सही से बताओ, मैंने जो हिंट दिया था कुछ नाम और गिना करके, उसी से तुम्हें पकड़े हो कि जानते हो कि ईश्वर का निवास स्थान प्रयागराज को ही कहा जाता है। जल्दी से बताइए। शुभम पटेल भी प्रयागराज कह रहे हैं, आरती भी प्रयागराज कह रहे हैं। मैंने लगता है प्रश्न को सरल बना दिया था, ये चीज मुझे बाद में बतानी चाहिए थी। वैसे आप लोग ईमानदार आदमी हैं, सही बता देंगे। हाँ एक पागल है, वाराणसी आ गया है इसका। मुझे लग रहा है प्रश्न को कायदे से सुना नहीं। प्रदीप वाराणसी कह रहा है, सुषमा भी वाराणसी कह रही है। क्यों भाई, अभी तो सुषमा ने प्रयागराज कहा था। हर्षित कह रहे हैं हाँ सर, उसी से पता चला। बिल्कुल ईश्वर का निवास स्थान में आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं वाराणसी और प्रयागराज में। तो मैं आप लोगों को बता देता हूं, प्रयागराज को ही ईश्वर का निवास स्थान कहा जाता है, क्योंकि यहाँ तीर्थों के राजा प्रयागराज का निवास है। यहाँ पे 3 नदियों का संगम है, ठीक है। यहाँ पर आपको तीर्थों के राजा प्रयाग होने की वजह से इसको ईश्वर का निवास स्थान कहा जाता है। यही प्रश्न उत्तर प्रदेश पीसीएस के 2005 की परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था। तो वाराणसी और प्रयागराज में कंफ्यूजन हो सकता है। गुड इवनिंग अभय, अभी आए हो। तो ईश्वर का निवास स्थान किसको कहा जाता है, प्रयागराज को कहा जाता है। प्रयागराज को संगम नगरी भी कहा जाता है, प्रयागराज को कुंभ नगरी भी कहा जाता है, प्रयागराज को तीर्थराज भी कहा जाता है, और प्रयागराज को अमरूदी नगर भी कहा जाता है। आज मैंने सुबह व्हाट्सएप के ग्रुप में देखा, प्रदीप ने कल जो क्वेश्चन हुए थे, जो क्विज हुए थे, उन सारे क्विजों को प्रश्नों को लिख करके ग्रुप में भेज दिया। ये बहुत ही अच्छा काम किया इसने, ठीक है। एक अच्छा संग्रह जो है मिल गया। तो आज भी जो है मैं आशा करता हूँ कि ऐसा ही आप लोग करेंगे।
क्वेश्चनों को लिख करके ग्रुप में भी शेयर कर दीजिए, बाकी लोग भी जो है देख सके। लेकिन उसमें थोड़ा सा एक काम ये करिए कि डेट डाल करके ऑनलाइन क्लास और टाइमिंग भी दे दीजिए, जैसे और लोगों को पता चले कि ये चीज़ हमें कहाँ से मिल रही है। ठीक है, तो प्रयागराज को कितने नामों से जाना जाता है आप लोगों ने देख लिया। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि आंवला नगरी के नाम से किस शहर को जाना जाता है। जल्दी से बताइए, मुझे नहीं लगता कि मुझे ऑप्शन देने की भी आवश्यकता है। आवश्यकता है क्या? आंवला नगरी के नाम से किस शहर को जाना जाता है, जल्दी से बताइए। कमेंट आप लोग करते रहिए, तेजी से करिए। एक कोई गधा है जिसने लाइक नहीं किया है, लाइक करते ही वो गधा नहीं रह जाएगा। राज मौर्या कह रहे हैं, प्रतापगढ़, हर्षित भी कह रहे हैं, बिल्कुल। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो प्रतापगढ़ होगा, इसीलिए मैंने कहा कि ऑप्शन देने की भी आवश्यकता नहीं है, ये काफी फेमस है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश का जो प्रतापगढ़ शहर है, प्रतापगढ़ शहर क्या है? बिल्कुल अभय, प्रतापगढ़। शुभम पटेल का भी उत्तर आया है, प्रतापगढ़। तो प्रतापगढ़ शहर को आंवला नगरी के नाम से जाना जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रदीप का कमेंट हाइड हो गया था, मैंने शो कर दिया। प्रतापगढ़ उल्टा सीधा मैसेज भेजेंगे तो मैंने हाइड और शो का लगा रखा है। तो चलिए, प्रतापगढ़ आपका सही उत्तर होगा। आमों का नगर भी बता दीजिए, पिछले 2-3 दिन की जो क्विज हुए थे उसमें मैंने आमों के नगर के बारे में भी पूछा था, आप लोगों को पता होगा। आमों का नगर उत्तर प्रदेश के किस शहर को जाना जाता है, जल्दी से बताइए। दशहरी आम फेमस है उत्तर प्रदेश का, किस शहर का? उसी शहर को आमों का नगर के नाम से भी जाना जाता है। जल्दी से बताइए। राज मौर्या कह रहे हैं लखनऊ, बिल्कुल। राज का उत्तर बिल्कुल सही है, लखनऊ। लेकिन लखनऊ का अगर थोड़ा सा और अंदर घुसे तो बताइए क्या होगा। राज बताइए, अगर लखनऊ के थोड़ा सा और अंदर घुसे तो उस खास स्थान का नाम बता सकते हैं जहां का दशहरी आम फेमस है। दिव्यांशी भी लखनऊ कह रहे हैं, हर्षित भी लखनऊ कह रहे हैं, लेकिन मैंने कहा कि थोड़ा सा और अंदर घुसिए, दशहरी आम जिस स्थान का लखनऊ के अंदर का फेमस है वहां का नाम बताइए। अभय भी लखनऊ कह रहे हैं, मुझे लग रहा है आप लोग थोड़ा सा भूल गए हैं, कल ही मैंने चर्चा किया था या परसों चर्चा किया था, लखनऊ का मलिहाबाद। अरे यार, सहारनपुर कहाँ से कह रहे हैं? सहारनपुर नहीं, ना ना ना, सहारनपुर भी, अच्छा सहारनपुर भी, चलिए ये तो मान सकते हैं, लेकिन हम खास बात कर रहे हैं, आमों का नगर लखनऊ जाना जाता है। और लखनऊ बिल्कुल, राज जो मलिहाबाद कह रहे हैं, मलिहाबादी, दशहरी आम मलिहाबादी फेमस है, तो मलिहाबाद लखनऊ आमों का नगर के नाम से जाना जाता है। वैसे इसको नवाबों का शहर भी कहते हैं। ठीक है, लखनवी भोजन के लिए भी फेमस है, नवाबों का शहर भी इसको कहा जाता है। राम भगवान के जो छोटे भाई थे लखन, इसको लखनपुरी के नाम से पहले जाना जाता था, तो राम के छोटे भाई लखन के नाम पे इस नगर को बसाया गया था। ध्यान दीजिए, कभी भी पूछ सकता है कि लखनऊ नगर का नाम लखनऊ कैसे पड़ा, तो ध्यान दीजिए, लखनऊ राम के छोटे भाई जो लक्ष्मण थे, लखन भी कहा जाता है इनको, तो लखन के नाम पर लखनऊ नाम इसका पड़ा। ठीक है, नवाबों का शहर भी कहा जाता है, बिल्कुल लक्ष्मणपुर। तो लक्ष्मणपुर को जो इसको मॉडिफाई कर दिया गया, आप लोग हिंदी में पढ़ते होंगे, क्या पढ़ते होंगे, एक संस्कृत वर्ड होता है और एक समास विग्रह जिसको कहते हैं, तो उसी प्रकार से इसका नाम क्या पड़ गया, इसका नाम लखनऊ पड़ गया लक्ष्मण के नाम पर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नाथ नगर के नाम से किस शहर को जाना जाता है, उत्तर प्रदेश के किस शहर को नाथ नगर के नाम से जाना जाता है। चलिए मैं आपको ऑप्शन देता हूं, आपके ऑप्शंस हैं नोएडा, अयोध्या, गोरखपुर या फिर कानपुर। जल्दी से बताइए, नाथ नगर के नाम से किस शहर को जाना जाता है। नाथ नगर के नाम से किस शहर को जाना जाता है, जल्दी से बताइए।
ऑप्शन फिर से सुनना अगर चाहे तो आप लोग सुन लीजिए, अयोध्या, गाजियाबाद, नोएडा या गोरखपुर। हर्षित शुक्ला का उत्तर आ चुका है, ये गोरखपुर कह रहे हैं। बाकी लोग जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। नाथ नगर के नाम से किस शहर को जाना जाता है, प्रदीप भी गोरखपुर कह रहे हैं। लड़कियों का उत्तर नहीं आ रहा है भाई, शुभम कह रहे हैं गोरखपुर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर गोरखपुर ही होगा। गोरखपुर को नाथ नगर इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर शिव जी, बिल्कुल राज का भी उत्तर सही है गोरखपुर, अभय मालविया का भी उत्तर सही है गोरखपुर। राज बिल्कुल गोरखपुर इसको इसलिए कहा जाता है, दिव्यांशी भी गोरखपुर कह रही है, थोड़ा सा लेट आंसर आया है, कोई बात नहीं। गोरखपुर को ही नाथ नगर के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि यहाँ पर गोरखनाथ का मंदिर है, शिव जी का मंदिर है। तो शिव जी का गोरखनाथ मंदिर होने के कारण बिल्कुल नाथ संप्रदाय भी वहां पर है, ठीक है। तो इसी वजह से इसको नाथ नगर के नाम से भी जाना जाता है, नाथ संप्रदाय का मंदिर ही है। अगर हम लोग बात करें तो जो गोरखनाथ का मंदिर है ये नाथ संप्रदाय का ही है। नाथ संप्रदाय की अगर हम बात करें तो नाथ संप्रदाय का योग, योग जो आसन होता है, योग में इनका जो है काफी बहुत बड़ा योगदान है, ठीक है। योग में नाथ संप्रदाय के लोगों का काफी बड़ा योगदान है और ये योग के माध्यम से ही शिव जी को खुश करने के लिए जाने जाते हैं। तो गोरखनाथ का मंदिर होने की वजह से, नाथ संप्रदाय की वजह से इसका नाम नाथ नगर भी पड़ा है। वैसे गोरखपुर के नाम मैं आपको और बता देता हूँ जो आपके परीक्षा में इन नामों से भी पूछा जा सकता है। गोरखपुर को अगर हम देखें तो गोरखधाम भी कहा जाता है, गोरखधाम के भी नाम से जाना जाता है। इसके अलावा जो है गीता प्रेस नगर के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान दीजिएगा। गीता प्रेस गोरखपुर का नाम सुना है, हिंदू धर्म की सबसे ज्यादा, बिल्कुल राज, गीता प्रेस गोरखपुर आप लोगों ने नाम सुना होगा। गीता प्रेस जो है कहाँ पे है, गोरखपुर में है। हिंदू धर्म, सनातन धर्म की जितने भी पुस्तकें प्रकाशित होती हैं, प्रकाशित तो वैसे कई प्रेस करते हैं लेकिन गीता प्रेस की जो किताबें होती हैं ये बिल्कुल जो है क्या होती हैं, गीता प्रेस की भी जो किताबें होती हैं, गीता प्रेस की किताबें एकदम सटीक होती हैं, स्पष्ट होती हैं, प्रमाणित होती हैं। तो गीता जी, सनातनी बुक्स जितने भी होते हैं ये प्रमाणित किताबें लिखते हैं और इस वजह से गीता प्रेस गोरखपुर का पूरे विश्व में नाम है। इस वजह से भी इसको गीता प्रेस नगर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। गीता प्रेस का पूरे विश्व में नाम है, इकलौता ऐसा प्रेस है गीता प्रेस गोरखपुर जो धार्मिक किताबें छापता है और विश्व में सबसे बड़ा प्रेस, सबसे सस्ते दाम पर किताब बेचता है, किसी भी धर्म की किताब, गारंटी के साथ कह रहा हूं, किसी भी धर्म की किताब इतने सस्ते दामों पे नहीं मिलती है जितनी सस्ते दामों पर आपके सनातन धर्म की किताबें मिलती हैं। और अच्छी प्रिंटेड और अच्छे उसके कवर होते हैं, स्टैंडर्ड बुक होती है और जो है उसमें जो प्रमाणित चीजें भी होती हैं। तो गीता प्रेस का पूरे विश्व में काफी नाम है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो गोरखपुर के बारे में आप लोग जान गए होंगे, नाथ नगर, गीता प्रेस नगर और गोरखधाम के नाम से भी इस नगर को जाना जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बताइए पूर्वोत्तर का मैनचेस्टर के नाम से किस नगर को जाना जाता है। बताइए, ईस्ट मैनचेस्टर सिटी, ईस्ट मैनचेस्टर सिटी पूर्वोत्तर का मैनचेस्टर के नाम से भारत का या उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर जाना जाता है। जल्दी से कमेंट कीजिए, जितने भी लोग लाइव हैं पहले लाइक तो कर ही दीजिए क्योंकि ये बहुत बढ़िया क्विज हो रहा है। उत्तर प्रदेश के सिटी, उत्तर प्रदेश के नगरों के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। और उत्तर इंडियन आर्मी लवर, हाय सर, हेलो। तो आप लोग जो है क्या करना है, आपको लाइक कर देना है सबसे पहली बात। दूसरी बात, हम लोग उत्तर प्रदेश के नगरों के बारे में बात कर रहे हैं इस वीडियो को, जो बाद में जुड़े हैं
उनके लिए जो है मैं इस वीडियो को सेव कर दूंगा, वो बाद में भी इसको देख सकेंगे। अमित भी जुड़ चुका है, काफी लेट आया है। चलिए कोई बात नहीं है अमित, इस वीडियो के जो दो तीन चार प्रश्न छूटे हैं उसको आप बाद में देख लीजिएगा, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दो पहले। और प्रश्न पूछा गया है कि पूर्वोत्तर का मैनचेस्टर के नाम से किस शहर को जाना जाता है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहरों के उपनाम के बारे में आज हम लोग जो है टॉपिक पर बात कर रहे हैं। चलिए बताइए, पूर्वोत्तर का मैनचेस्टर, राज का उत्तर आ चुका है, राज कह रहे हैं कानपुर, प्रदीप का भी उत्तर आ चुका है, प्रदीप भी कानपुर कह रहे हैं। बिल्कुल, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है, शुभम भी कह रहे हैं कानपुर, आरती भी कह रही है कानपुर, आकाश क्रिएशन भी कह रहे हैं कि कानपुर ही होगा। वैसे मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आकाश क्रिएशन का ये जो चैनल बना है, इस चैनल को मतलब कि काम करने के लिए और मुझे ऑनलाइन पढ़ाने के लिए जो ये विचार दिया गया था, ये आकाश क्रिएशन की ही तरफ से दिया गया था। आकाश क्रिएशन चैनल को भी आप लाइक एवं सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसमें जैसे कि आप लोगों के मन में कुछ अगर हो कि हमें कैसे वीडियो को बनानी चाहिए, कैसे एडिटिंग करनी चाहिए, कैसे क्या करनी चाहिए, तो इसके बारे में अपने वीडियो को बनाते हैं, उसको करते हैं, स्पॉन्सर भी करते हैं। तो इनका काफी योगदान है इस चैनल में, इन्होंने जो है काफी जो है हेल्प किया है, हमें बताया है कि कैसे कैसे क्या हो सकता है इस लॉकडाउन में। सागर त्रिपाठी भी जुड़ चुके हैं, हेलो सागर। तो पूर्वोत्तर का मैनचेस्टर के नाम से आपका कानपुर शहर को जाना जाता है। कानपुर शहर को पूर्वोत्तर के मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता है। अभी आप लोगों को मैंने इसके 2 दिन पहले भी कानपुर के बारे में चर्चा हुई थी। कानपुर के बारे में मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि कानपुर को क्या कहा जाता है, बताइए। सबसे ज्यादा नगरीकृत शहर के नाम से भी जाना जाता है, टेक्सटाइल सिटी भिकानपुर। अच्छा, टेक्सटाइल सिटी के नाम से भी कानपुर को जाना जाता है, चर्म नगर के नाम से भी जाना जाता है। कानपुर को कई नामों से जाना जाता है, सबसे ज्यादा नगरीकृत शहर है। जैसे आप लोग पिछली 2 दिन पहले जो है आपका वीडियो था उसमें आप लोग जो है मैंने पूछा था कि सबसे ज्यादा नगरीकृत शहर उत्तर प्रदेश का कौन सा है, तो आप लोग गाजियाबाद पर ज्यादा जोर दे रहे थे, तो गाजियाबाद इसका सही उत्तर नहीं था। सबसे ज्यादा नगरीकृत शहर भी आपका ये है, ठीक है। पूर्वोत्तर का मैनचेस्टर है, बिजनेस सिटी है, औद्योगिक शहर है। तो कानपुर के बारे में 2 लाइन आप लोग लिख ही लीजिए कि कानपुर को चर्म नगर कहा जाता है, उद्योग नगर कहा जाता है, पूर्वोत्तर एवं भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है, सर्वाधिक नगरीकृत शहर भी आपका कानपुर ही है, ठीक है। तो चलिए, राज भी अभी बताए हैं कि इसको टेक्सटाइल सिटी भी कहा जाता है। तो जो भी आपके पास एक्स्ट्रा नॉलेज मिलती है उसको बिल्कुल आप शेयर कीजिए। राज ने अभी शेयर किया है कि टेक्सटाइल सिटी के नाम से भी जो है कानपुर को जाना जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर छोटा दिल्ली के नाम से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर है जिसको छोटा दिल्ली के नाम से जाना जाता है, जल्दी से बताइए। ऑप्शन देने की आवश्यकता है क्या, दे ही देता हूं। चलिए ऑप्शन ले लीजिए, नोएडा, गाजियाबाद, कानपुर या फिर मेरठ, जल्दी से बताइए। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर छोटा दिल्ली के नाम से भी जाना जाता है। छोटा दिल्ली, बड़ा बढ़िया प्रश्न है ये, मुझे लग रहा है पहली बार सुन रहे होंगे। दिव्यांशी का उत्तर आया है नोएडा, तब तक मैं पानी पीता हूं, बताइए आप लोग। प्रदीप भी नोएडा कह रहे हैं, अमित मेरठ कह रहे हैं, अच्छा। अभय का उत्तर नहीं आया है, राज का उत्तर नहीं आया है, बाकी लोग बताइए जल्दी से। अभय कह रहे हैं मेरठ, सुषमा नोएडा कह रही हैं, हर्षित नोएडा कह रहे हैं, आरती नोएडा कह रही हैं, शुभम पटेल भी नोएडा कह रहे हैं, तो एक लोग का भी उत्तर सही नहीं है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा गाजियाबाद। गाजियाबाद को उत्तर प्रदेश का छोटा दिल्ली कहा जाता है।
क्यों? क्योंकि ये दिल्ली से सटा हुआ है, दिल्ली की कोई भी परियोजना बिना गाजियाबाद के लगे पूरी नहीं हो सकती है। गाजियाबाद को ही, अगर आप लोगों के घर में भी कोई गाजियाबाद रहता होगा तो आप लोग देखते होंगे कि गाजियाबाद को ही आप वो लोग दिल्ली के नाम से ही कहते हैं। देखिए आप लोग, जो दिल्ली के मेट्रो भी बने हुए हैं वो गाजियाबाद में आके खत्म होती है। दिल्ली की कई सारी परियोजनाएं ऐसी हैं जो गाजियाबाद में ही आके खत्म होती हैं। तो इस वजह से ये दिल्ली ही है, उत्तर प्रदेश का ऐसा जिला जो दिल्ली की सारी परियोजनाओं को पूरा करता है। तो इस वजह से इसको क्या कहा जाता है? अच्छा, राज कह रहे हैं क्वेश्चन, तो राज क्वेश्चन हमारा ये था कि उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर छोटा दिल्ली के नाम से जाना जाता है? उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर छोटा दिल्ली के नाम से जाना जाता है? वॉइस सही है, आकाश कह रहे हैं कि वॉइस सही है। क्या वॉइस में कुछ दिक्कत थी क्या? राज कह रहे हैं वॉइस मिस हो रही है। अच्छा नहीं, वॉइस मिस नहीं हो रही है राज, मुझे लग रहा है आपका नेटवर्क कुछ प्रॉब्लम होगी। आकाश ने उसको क्लियर कर दिया है, वॉइस सही है। तो क्वेश्चन मैंने फिर से बोल दिया है, आपने सुन लिया होगा। तो छोटा दिल्ली के नाम से गाजियाबाद जाना जाता है। किस लिए जाना जाता है आप लोग जान रहे हो, क्योंकि दिल्ली से बिल्कुल सटा हुआ है, दिल्ली की सारी परियोजनाएं यहां से लगती हैं। अच्छा, वॉइस मिस नहीं हो रही है, बिल्कुल सही है, वॉइस बिल्कुल सही है, सभी लोगों के आ रहे हैं, हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बाकी सब लोगों को आवाज बिल्कुल सही आ रही है ना, कोई डिस्टरबेंस तो नहीं है? अभय कह रहे हैं सब सही है, बिल्कुल सब सही है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। वैसे गाजियाबाद के लिए भी मैं आपको बता देता हूं, इसको उद्योग नगरी भी कहते हैं, गाजियाबाद को भी उद्योग नगरी के नाम से भी जाना जाता है। चलिए, उत्तर प्रदेश का सो विंडो, उत्तर प्रदेश का सो विंडो के नाम से किसको जो है, किस शहर को जाना जाता है आपको बताना है, जल्दी से बताइए। उत्तर प्रदेश का सो विंडो के नाम से किस शहर को जाना जाता है, ये आपको बताना है। उत्तर प्रदेश के सो विंडो के नाम से किसको जाना जाता है? ओहो, राज ने आज अपने सारे डेटे का इस्तेमाल कर लिया, कोई बात नहीं है राज, इस वीडियो को मैं सेव कर दूंगा, बाकी के जो क्वेश्चन है उसको बाद में आप देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो जल्दी से बताइए, उत्तर प्रदेश का सो विंडो के नाम से किसको जाना जाता है? आपके ऑप्शंस है गाजियाबाद, अच्छा अभय का उत्तर आ चुका है नोएडा, गाजियाबाद, नोएडा, आगरा या फिर आपका मेरठ। बताइए उत्तर प्रदेश का सो विंडो के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है? नोएडा, गाजियाबाद, आगरा या फिर मेरठ। प्रदीप भी नोएडा कह रहे हैं। हर्षित आगरा कह रहे हैं। रंजीत, रंजीत अभी जुड़े हैं मुझे लग रहा है, रंजीत नोएडा कह रहे हैं। रंजीत पहले लाइक करो वीडियो को। आरती वगैरह के उत्तर नहीं आ रहे हैं, आगरा सुषमा कह रही हैं, सागर भी आगरा कह रहे हैं, रंजीत का भी नोएडा आया है, हर्षित आगरा कह रहे हैं। 9 बजे, तो जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। तो मैं बता देता हूं, इस प्रश्न का जो है सही उत्तर होगा नोएडा, नोएडा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल, आरती का भी उत्तर सही है। शुभम पटेल कह रहे हैं कि नेट में प्रॉब्लम है, हो सकता है आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है, ईयरफोन लगा के बाहर निकल जाइए, छत पे चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो भी बाद में सेव हो जाएगा। आकाश एमपी कह रहे हैं, पगला गया है क्या ये लड़का, एमपी कहाँ से होगा, एमपी एमपी कहाँ से हो सकता है? उत्तर प्रदेश का सो विंडो के नाम से, देश के सो विंडो के नाम से नहीं, उत्तर प्रदेश के
सौ विंडो के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा नोएडा। अब मैं आप लोगों को बताता हूं, नोएडा का फुल फॉर्म आप लोगों को पता है? नोएडा नाम ऐसे ही नहीं रख दिया गया, नोएडा शहर को बाकायदे बसाया गया है। आप लोग जानते ही नहीं जानते हैं, नोएडा शहर को बाकायदे बसाया गया है। तो नोएडा का फुल फॉर्म क्या होगा जल्दी से बताइए, फिर मैं बताता हूं। अब देखिए धीरे धीरे लोग कम हो रहे हैं इस वजह से, क्योंकि लोग तुरंत गूगल पे जाएंगे और गूगल पर जाकर के नोएडा का फुल फॉर्म निकालेंगे और फुल फॉर्म निकाल के अभी बता देंगे। चार लोग कम हुए हैं, अब देखिए चार उत्तर आने वाला है फट से। इन लोगों को पता नहीं, आप लोग बताइएगा मत। देखिए अभी आने वाला है, जो लोग ऑनलाइन है वो नहीं जाएंगे हम जान रहे हैं, लेकिन अभी देखिए चार लोग जुड़ेंगे और फट से चार उत्तर आने वाला है। नोएडा का फुल फॉर्म क्या है? प्रदीप कह रहे हैं नहीं पता सर। ये सागर त्रिपाठी का आ गया। देखिए न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, बिल्कुल नोट कर लीजिए आप लोग, नोएडा का फुल फॉर्म क्या होगा? न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, शॉर्ट फॉर्म में नोएडा कहा जाता है। नोएडा शहर का फुल फॉर्म होगा ये। देखिए अब है मालविया का भी उत्तर आ गया। अब देखिए धीरे धीरे लाइव संख्या भी बढ़ने लगी। मैंने क्या कहा था आप लोगों को, देख लिया? न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, नोएडा का फुल फॉर्म होगा न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। सागर त्रिपाठी और अभय मालविया का उत्तर देख लीजिए आ गया, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसको नोट कर लीजिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, रामनगर, रामचरितमानस नगर या राम जन्मभूमि के नाम से किस शहर को जाना जाता है? ऑप्शन देने की भी जरूरत मैं नहीं समझता हूं, जल्दी से बताइए। हाँ लंबा तो था, चलिए कोई बात नहीं, टाइप करने में टाइम लगता है, बिल्कुल लगता है, हम कहा कह रहे नहीं लगता है। अयोध्या, बिल्कुल हर्षित शुक्ला का उत्तर आ चुका है। हर्षित शुक्ला कह रहे हैं राम जन्मभूमि, रामनगर, रामचरितमानस नगर, ध्यान दीजिएगा रामचरितमानस नगर को भी अयोध्या ही कहा जाता है। तो सब दिव्यांशी भी अयोध्या कह रही हैं, सबका उत्तर आ चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल अयोध्या ही होगा। रंजीत फिरोजाबाद कह रहा है, अरे पगला, फिरोजाबाद कहाँ है? अयोध्या है। फिरोजाबाद था नहीं, था भी नहीं, अयोध्या ही था। ठीक है, फिरोजाबाद के चक्कर मत पड़िएगा, ऑप्शन भी रहे तब भी अयोध्या ही होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भागवत कथा नगर, भागवत कथा नगर के नाम से किस शहर को जाना जाता है? देखिए उत्तर प्रदेश काफी पौराणिक नगर है, यहाँ पर आपको धार्मिक नाम भी बहुत ज्यादा मिलेंगे, तो इस वजह से आप लोग इस पर भी जो है पूरा एकदम ध्यान बनाए रहिए। भागवत कथा नगर के नाम से मैं आप लोगों को बता देता हूँ, शुक्रताल कोई जगह है, शुक्रताल कोई जगह है उत्तर प्रदेश में, शुक्रताल, शुक्रताल को भागवत कथा नगर के नाम से जाना जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। खुशबुओं का शहर किसे कहा जाता है? परफ्यूम सिटी, परफ्यूम सिटी, खुशबुओं का नगर के नाम से किस शहर को जाना जाता है? मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं, ऑप्शन है आपका कन्नौज, उन्नाव, मुजफ्फरनगर या फिर आपका अलीगढ़। जल्दी से बताइए क्या होगा खुशबुओं का शहर? कानपुर तो मैंने बोला ही नहीं, खुशबुओं का शहर शुक्रताल होता है भागवत कथा नगर, लेकिन वो तो प्रश्न बीत चुका है। अगला प्रश्न है कि खुशबुओं का शहर, खुशबुओं का शहर परफ्यूम सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? कन्नौज, उन्नाव, मुजफ्फरनगर या फिर आपका होगा क्या, सबका उत्तर कन्नौज आ रहा है। अभय भी कन्नौज कह रहे हैं, आरती भी कन्नौज कह रही है, सागर कन्नौज, रंजीत कन्नौज, प्रदीप कन्नौज,
बाप रे, सबका कन्नौज। बिल्कुल सही है, कन्नौज को ही परफ्यूम सिटी के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल, कन्नौज था, कन्नौज है, कन्नौज रहेगा। आरती के नहीं, कन्नौज था, कन्नौज ही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चल रहे हैं। अट्ठासी हजार ऋषियों की भूमि, 30,000 तीर्थों का नगर। 88,000 ऋषियों की भूमि, 30,000 तीर्थों का नगर के नाम से किसे जाना जाता है? तो नैमिषारण्य। नैमिषारण्य को 88,000 ऋषियों की भूमि और 30,000 तीर्थों के नगर से जाना जाता है। चलिए कोई बात नहीं है। काशी की बहन, अरे वाह, काशी की बहन के नाम से किस शहर को जाना जाता है? जल्दी से बताइए। काशी की बहन, सिस्टर ऑफ काशी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? बताना है आप लोगों को, बताइए जल्दी से। हाँ, राज मौर्य का उत्तर बिल्कुल सही है, नैमिष नायन। लेकिन काशी की बहन, अब प्रश्न बदल चुका है, कहिए तो मैं आपको ऑप्शन भी दे देता हूं। काशी की बहन के नाम से किस शहर को जाना जाता है? आपका उत्तर है बलिया, गाजीपुर। बिल्कुल, ऑप्शन देने के पहले ही उत्तर आ गया, सागर त्रिपाठी गाजीपुर कह रहे हैं, राज मौर्या का भी उत्तर आ गया है गाजीपुर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? गाजीपुर ही होगा। गाजीपुर को काशी की बहन के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है आप लोग बता सकते हैं क्या? गाजीपुर को काशी की बहन के नाम से क्यों जाना जाता है? क्या रीजन है? व्हाट इज द रीजन? मेरे ऑप्शन देने के पहले ही आप लोगों ने उत्तर बता दिया, इसका मतलब है कि आप लोगों को पता है काफी चीज। गाजीपुर को काशी की बहन के नाम से क्यों जाना जाता है? क्या रीजन है? जल्दी से बताइए, रीजन बताइए। टाइप होने में कुछ समय लग सकता है, वेट कर रहा हूं मैं, जल्दी से बताइए। गाजीपुर को काशी की बहन के नाम से क्यों जाना जाता है? क्या रीजन है? सुषमा कह रहे हैं नहीं पता, सागर भी कह रहे हैं ये पता नहीं है सर। अच्छा, दीक्षा दुबे, अच्छा दीक्षा भी आ चुकी है, पहला कमेंट है, मुझे लग रहा है लेट जुड़ी है। दीक्षा को भी नहीं पता है क्यों कहा जाता है। रंजीत कह रहे हैं सर नेट हमारे चल नहीं रहा है। कोई बात नहीं है, इस वीडियो को मैं सेव कर दूंगा, आप बाद में देख लीजिएगा। राज का उत्तर मैं वेट कर रहा हूं, बताइए क्या हो सकता है इसका उत्तर? गाजीपुर को क्यों कहा जाता है? चलिए तब तक आप लोग बताते रहिए। अलीगढ़ को किस नाम से जाना जाता है बताइए? प्रश्न कुछ और पूछने वाला था, पूछ कुछ और लिया। अलीगढ़ का उपनाम बताइए। हो जाता है, कोई बात नहीं है, कभी कभी जो प्रश्न आपके दिमाग में चल रहे होते हैं उसके उत्तर भी तो आपको पता होते हैं, तो आप प्रश्न पूछ करके उत्तर ही पूछ लेते हैं, वही मेरे साथ हो गया। बताइए अलीगढ़ का उपनाम क्या है, जल्दी से बताइए। अलीगढ़ को किस उपनाम से जाना जाता है? अच्छा, राज के साथ नेट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बताइए अलीगढ़ का उपनाम क्या है? अरे पागल, रामगढ़। रामगढ़ कहाँ होगा? अलीगढ़ को रामगढ़ कहाँ कहते हैं? अयोध्या, रामगढ़, ऑप्शन। हाँ, ऑप्शन पे तो आप लोग पकड़ लोगे बड़ी आसानी से। वैसे ताला नगरी कहते हैं, अलीगढ़ का ताला विश्व प्रसिद्ध है। अलीगढ़ का ताला जो है विश्व प्रसिद्ध है, इस वजह से अलीगढ़ को ताला नगरी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अलीगढ़ को ताला नगरी के नाम से भी जाना जाता है।
पीतल नगरी के नाम से किसे जाना जाता है बताइए। पीतल नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन दूं मैं, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, अलीगढ़ या फिर आपका फिरोजाबाद जो अयोध्या हो गया है। अयोध्या था, अयोध्या हो गया है। अब है तुम बहुत ज्यादा डिटेल में मत जाओ, उपनाम पूछा गया है, तुम पूरा का पूरा पौराणिक नाम निकाल रहे हो। मैंने पूर्व में नाम थोड़ी ना पूछा है, ये कोल कोइल जो बता रहे हो ये अलीगढ़ का पुराना नाम होगा, पुराना नाम मैंने नहीं पूछा है, मैंने पूछा है उपनाम बताओ। तो उपनाम क्या होगा? उपनाम ताला नगरी होगा। अब हम लोग अगले प्रश्न पे जा चुके हैं, अगले प्रश्न पे ही बात कीजिए। क्या पूछा था भाई, मुरादाबाद बताए पड़े हो। अच्छा पीतल नगरी, पीतल नगरी, हाँ सही है उत्तर आप लोगों का सही है, मुरादाबाद ही होगा। मुरादाबाद, फिरोजाबाद उसे चूड़ियों का शहर है जहां तक मैं जानता हूँ, कंफर्म है, कांच नगर के नाम से जाना जाता है फिरोजाबाद को। ठीक है, चूड़िया वहां की विश्व प्रसिद्ध है। ठीक है, तो जिनके घर में शादियां वादियां पड़ती हैं वो लोग स्पेशली जाकर के वहां से चूड़िया लाते हैं। तो आपका जो सही उत्तर होगा वो मुरादाबाद होगा। बिल्कुल, राज का भी उत्तर आ चुका है। अब चलिए ये बताइए कि मुक्ति नगर के नाम से किसको जाना जाता है? पंडों का नगर, मुक्ति नगर और पंडों का नगर। तो हम लोग बात कर रहे हैं वाराणसी की, तो जरा वाराणसी के बारे में आप लोग लिख लीजिए। पौराणिक शहर है, इसको कई नामों से जानते हैं। वाराणसी को हम लोग सबसे पहले तो विश्वनाथ नगरी कहते हैं क्योंकि वहां बाबा विश्वनाथ की मंदिर मंदिर है वहां पर। उसके अलावा शिव नगरी, मुक्ति नगरी, मुक्ति क्षेत्र, रांड सांड सीढ़ी नगर, पंडों का नगर, घाटों का नगर, इतने नामों से बनारस को हम लोग जानते हैं। फिर से रिपीट कर दूं एक बार, फिर से सुन लीजिए। विश्वनाथ नगरी, शिव नगरी, मुक्ति नगरी, मुक्ति क्षेत्र, रांड सांड सीढ़ी नगर, पंडों का नगर, घाटों का नगर। ठीक है, इतने नामों से वाराणसी को जाना जाता है। राजमौर्या, फिरोजाबाद, चूड़ी। बिल्कुल, फिरोजाबाद चूड़ियों के लिए जाना जाता है और मुरादाबाद पीतल के लिए जाना जाता है। वैसे अगर हम मुरादाबाद की बात करें तो मुरादाबाद बर्तनों का शहर भी कहा जाता है। अगर मुरादाबाद की ही बात कर रहे हैं आप लोग पिछले क्वेश्चन की, तो इसको एक चीज और लिख सकते हैं, मुरादाबाद को हम लोग बर्तनों का नगर और पीतल नगर दोनों के नाम से जानते हैं। ठीक है, और वाराणसी को हम लोग इतने नामों से जानते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हींग व गुलाल नगरी, पूरे भारत का में हींग प्रसिद्ध है, बंधानी हींग। तो हींग नगर, या फिर इसको जो है हम लोग हींग नगर के अलावा जो है गुलाल नगरी, गुलाल जो रंग हम लोग खेलते हैं, ये गुलाल नगरी के नाम से फेमस भारत उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर है? आपके ऑप्शंस हैं श्रावस्ती, बहराइच, हाथरस, कन्नौज। अभी कन्नौज के बारे में आप लोगों ने कहा था सुगंधित शहर, खुशबुओं का शहर, परफ्यूम सिटी के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन फिर से पूछा गया है, हींग का नगर या फिर साथ साथ इसके क्या पूछा गया है आप लोगों को, गुलाल नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? लकड़ी का खिलौना, बनारसी साड़ी। बिल्कुल, इन सब चीज के लिए प्रसिद्ध है ये, बनारसी साड़ी के लिए तो विश्व प्रसिद्ध है, बनारसी पान, पान के लिए भी विश्व प्रसिद्ध है आपका। अगर आप पान नहीं भी खाते होंगे तो बनारस में जाकर एक बार खाना जरूर चाहेंगे। अभय कह रहे हैं हाथरस, हींग और उसके साथ साथ गुलालों का नगर आपका क्या है? अभय का उत्तर आ चुका है हाथरस, तो हाथरस बिल्कुल सही है, हाथरस ही होगा। बहराइच, सुषमा कहना चाह रही है बहराइच नहीं होगा,
हाथरस होगा। हाथरस को हींग वहां की बहुत फेमस है, हींग का शहर भी कहा जाता है और साथ साथ गुलालों का नगर भी कहा जाता है। बहराइच नहीं होगा, हाथरस होगा। अब फिरोजाबाद की बात करें, अभी फिरोजाबाद के बारे में बता रहे थे। फिरोजाबाद चूड़ियों का शहर तो है ही, साथ साथ इसको सुहाग नगर भी कहा जाता है। देखिए चूड़ियों का जो चूड़िया होती हैं, ये हिंदू रीति रिवाज, अगर सनातन धर्म की बात करें तो हिंदुओं में इसको सुहाग का सामान कहा जाता है। चूड़ियों का एक विशेष स्थान होता है, सुहाग का सामान कहा जाता है। इस वजह से इसको सुहाग नगरी के नाम से भी फिरोजाबाद को जानते हैं। वैसे भी ये अयोध्या है और अयोध्या राम जन्मभूमि के लिए विश्व प्रसिद्ध है। ठीक है, इसके आगे आपको कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कैची नगर या क्रांति नगर के नाम से किसे जाना जाता है? कैची नगर और क्रांति नगर, गेस करना होगा तो कर लेंगे आप लोग। पहले तो मैं ऑप्शन नहीं दूंगा, फिर देखता हूँ, जरूरत पड़ती है तो दूंगा। कैची नगर और क्रांति नगर के नाम से किस शहर को जाना जाता है? जल्दी से कमेंट कीजिए। अब वीडियो कुछ ही देर में बंद हो जाएगा, 5 मिनट और चलेगा बस। 5 मिनट के बाद अब मैं बंद करूंगा, 5 मिनट थोड़ा सा और जल्दी से आप लोग जो है आंसर दीजिए, बताइए। कैची नगर या क्रांति नगर के नाम से किस शहर को जाना जाता है? हर्षित बलिया को कह रहे हैं, अभय मेरठ कह रहे हैं। अभय का आंसर एकदम सटीक आ रहा है, क्या बात है, बंदा पढ़ रहा है आज का लड़का। प्रदीप भी मेरठ कह रहे हैं, बिल्कुल मेरठ ही होगा। मेरठ को कैंची नगर के नाम से भी जाना जाता है और क्रांति नगर के भी नाम से जाना जाता है। इसलिए जाना जाता है क्योंकि मंगल पांडे कहाँ के रहने वाले थे? भारत में क्रांति के जनक मंगल पांडे, जिन्होंने अंग्रेजों को पहली गोली मारी थी, कहाँ के रहने वाले थे? मेरठ के 39वीं बटालियन के आदमी थे। मेरठ सिटी से ही इन्होंने क्रांति की शुरुआत की थी, इसलिए इसको क्रांति नगर भी कहा जाता है। ठीक है, तो इस वजह से क्या कहेंगे इसको? क्रांति नगर और कैंची नगर दोनों के नाम से जो है इसको जाना जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब चलिए हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, कुछ नगरों के प्राचीन नाम। कुछ नगरों के प्राचीन नाम, अब मैं आप लोगों को जैसे देखिए, अभी तक मैं जो आप लोगों को बता रहा था, अभी तक मैं आप लोगों को उपनाम बता रहा था, अभी तक मैं आप लोगों को उपनाम बता रहा था, और अब मैं प्राचीन नगर की बात करूंगा। तो मैं लिखवा दे रहा हूं, वैसे पूछ भी लूंगा और बता भी दूंगा आप लोगों को, आप लोग उसको नोट भी कर लीजिए। ठीक है, मेरठ को जो है, हाँ, क्रांति नगर और कैंची नगर दोनों के नाम से जाना जाता है। चलिए आप लोग जो है सिर्फ और सिर्फ उत्तर पे रखिए, लाइव वीडियो है, इसमें कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है। अब आप लोग जो है कहाँ से जान पाएंगे कि कौन कौन है, कौन क्या नहीं है? ठीक है, वैसे मैं यहां से सब हाइड कर दूंगा, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये लोग जानबूझ के ऐसा कुछ भेजते हैं कि इनका नाम लिया जा सके। ठीक है, चलिए, क्या बात है अमित? अमित का कहना है जिनके माँ बाप जैसे सिखाए हैं वैसे ही वो बोलेगा। बिल्कुल सही बात है, आप लोग क्या करते हैं, अपने संस्कार को ही तो दिखाते हैं। आपको आदमी कैसे जानेगा? बिल्कुल नहीं, राज 34वीं नहीं थी, 39वीं बटालियन थी, फिर भी आप एक बार चेक कर लीजिएगा। 39वीं बटालियन थी मेरठ बैरक सिटी की। ठीक है, तो देखिए आप लोग मुझसे प्रेम से बात करते हो, मैं आपसे प्रेम से बात करता हूं, तो इस वजह से ना, क्योंकि मैं जानता हूं कि सामने वाला बड़ा अच्छा आदमी है। ठीक है, तो सामने वाला कैसा है कैसा नहीं है, ये मैं जिसको जानूंगा उसको ही रिस्पेक्ट से बात करूंगा। अब बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया में, सब अच्छे तो नहीं हो सकते हैं ना, तो उसके लिए आप लोग परेशान मत होइएगा। इससे भी भयंकर एक झेल चुके हैं हम लोग, आप लोगों को याद होगा 11 बजे जब लाइव क्लासेस चलती थी, ये सारी चीजें होती रहती हैं। ठीक है, आप लोगों को अमित बहुत सही बोलता है, आप लोगों को तो पता है,
में भी तो आप लोग पढ़ते हो।